क्षेत्र के बगदैर गांव का माजरा। प्रधान के मनमाने रवैया से परेशान ग्रामीणों ने खोला मोर्च। तस्वीरें में आपको दिखा देख भी सकते हैं, परेशान होकर ग्रामीणों ने मोर्च खोला। सरकारी योजनाओं में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण ग्राम प्रधान सरकारी योजना के मनमाने रवैया अपना कर रहे हैं। गांव के जिसके पास कुछ भी नहीं है, सरकारी आवास भी नहीं मिल रहा है, भूमिहीन और पट्टा नहीं मिल रहा है, वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की राजनीति के अलावा आरोप लगाया है कि अपने लोग का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का और भी कहना है कि खोरी चौक से लेकर सुंदर के घर तक का रास्ता भी ठीक नहीं है, वर्षा होने से पानी भर जाता है, जिसमें लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलिए कि इसके बाद अधिकारी से शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान विकास कार्य की जांच की जाए। प्राइम वीके न्यूज चैनल के लिए रामोतोर शर्मा की खास रिपोर्ट संभल से। कहाँ के रहने वाले हो? बगदैर के घेर। अच्छा, आज जो तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या किस क्या मामला है? कीर्तनों साहब, जहाँ में काफी दिन रह गए, पानी भर जाता है और लिखने को बहुत परेशानी रहती है, लेकिन हमारा प्रधान कोई नहीं सुन रहा। उच्च अधिकारियों से शिकायत की? प्रधान के यहाँ बहुत शिकायतें करी हैं हमने लोगों ने, मट्टी भी डालते हो, मट्टी भी डालने को ना ही करता है। प्रधान कौन है? प्रधान सुरेश है। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है आपकी? ग्राम पंचायत बगदैर की लगती है। अच्छा, तो प्रधान ने मना कर दिया? उच्च एसडीएम से बात करी? सप्ताह जो है का सप्ताह हमने पीसीयू कही, पीसीयू की न्यूज ना सुनी हमने, काफी दिन है कोई नहीं सुन रहा। ये नाली किसके घर से किसके घर तक है, एंड तक बताना? ये होरी चौक से और सुंदर सिंह के घर तक है, पूरी रास्ता खराब। मिस्त्री रहता है हमारे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।